मैं डॉक्टर संजीव कुमार सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन के तौर पे बत्रा हॉस्पिटल नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज मैं मिर्गी के दौरों के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और बहुत सारे ब्रेन की बीमारियों का एक मैनिफेस्टेशन होता है दौरे के तौर पे, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये जानकारियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि समाज में इस बीमारी के बारे में एक तो बहुत सारी मिथ्स हैं जिसको कि दूर करना एक न्यूरो साइंटिस्ट के तौर पे हमारा कर्तव्य होता है, और कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि हमारे लिए ज़रूरी है कि यदि दौरे आ जाएँ उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दौरे कभी भी आ सकते हैं और उसको फर्स्टली आपको घर के लेवल पर ही टैकल करना होता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि प्रॉब्लम आगे ना बढ़े हमारे, और उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्निक है जिसके थ्रू हम एपिलेप्सी का आज सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। शुरुआत करते हुए, ये जो एपिलेप्सी है ये जैसा मैंने कहा कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, वैसे ही आप मिर्गी जो एपिलेप्सी है ये भी एक कॉमन बीमारी है। पूरी दुनिया में एक एस्टिमेट है करीब 7 करोड़ लोग को इस तरह ये जो एपिलेप्सी की बीमारी है उससे वो पीड़ित हैं, और हमारे हिंदुस्तान में ही करीब 1 करोड़ लोग हैं ऐसे जिनको कि एपिलेप्सी की बीमारी है। बहुत सारे कारण होते हैं एपिलेप्सी के, तो सवाल ये होता है कि ये एपिलेप्सी क्या है। बेसिकली हमारा ब्रेन जो फंक्शन करता है वो एक्चुअली इट इज़ बिकॉज ऑफ सम, देयर इज एन इनहेरेंट इलेक्ट्रिकल रिदम इनसाइड ह्यूमन ब्रेन जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, और वो नॉर्मली वो डाई आउट होता है। यदि समटाइम्स व्हेन देयर इज एबनॉर्मल रिदम इनसाइड द ब्रेन जो कि एक्सेसिव हो, जो कि ब्रेन के कंट्रोल के बियॉन्ड हो, तो ये एक तरह से एक सीज़र का फॉर्म लेती है, और जब यही सीज़र बार बार आते हैं तो हम इसको एपिलेप्सी बोलते हैं। एपिलेप्सी बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जैसे ब्रेन का मामूली इन्फेक्शन है उससे लेके कोई सर में कोई चोट लगी हो, या ब्रेन में कोई ट्यूमर हो, या कई बार हम तमाम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और उसके बाद भी हमें एपिलेप्सी का कोई कारण नज़र नहीं आता। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम पहले एपिलेप्सी के सिम्टम्स को समझें कि ये क्या है, और उसके बाद हमें कब डॉक्टर्स के पास रश करना चाहिए ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। एपिलेप्सी के कई फॉर्म्स हो सकते हैं, जिसमें कि जो सबसे कॉमन फॉर्म होता है जिसमें पेशेंट एक रिपीटेटिव एक पर्टिकुलर किस्म का मूवमेंट करता है, उसमें पेशेंट कई अनकॉन्शियस हो सकता है, कई बार पेशेंट अपने आप फेंट कर जाएगा, फॉल करने लगता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है जिसमें कि एपिलेप्सी कई तरह से प्रेजेंट करता है। यदि किसी पेशेंट को एपिलेप्सी का अटैक हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सोसाइटी के लेवल पे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी पेशेंट को एपिलेप्सी का अटैक होता है तो फर्स्ट थिंग, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इज कि आप घबराएं नहीं, पेशेंट से कॉन्फिडेंटली आप उसको हैंडल करें, आसपास भीड़ ना लगाएं, यदि कोई खिड़की है या दरवाज़ा है उसको खोल दें ताकि फ्रेश हवा आ सके, पेशेंट को करवट लिटा दें, मोस्टली बाएं साइड में करवट लिटा दें, और दौरे को रोकने की कोशिश ना करें, वो एक नेचुरल एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है जो कि 2 से 3 मिनट में अपने आप ये एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि ये डाई आउट हो जाता है। यदि आप उसमें किसी भी तरह से आप यदि इंटरफेयर करते हैं, जैसे कुछ लोग, एक हमारी मिथ्स है कि हम मुंह में चम्मच डाल दें, जूता सुंघाएं, तो ये चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, ये नहीं करना है। यू हैव टू बी कूल,
आप पेशेंट को करवट कराएं और एपिलेप्सी को अपने आप ख़त्म होने दें। जब एक बार एपिलेप्सी ख़त्म हो जाए तब आपको अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाना है, जहाँ पे कि ये डॉक्टर्स का काम है कि वो इसको किस को हैंडल करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे समाज में जो मिथ्स हैं एपिलेप्सी के दौरान, ये हमें करना चाहिए। नंबर टू, समाज में कुछ ऐसी धारणाएं हैं कि एपिलेप्सी या जो मिर्गी की बीमारी है ये कुछ मंद बुद्धि लोगों को होता है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊं, सर आइज़क न्यूटन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये लोग कुछ ऐसे नाम हैं जो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि इन लोगों को दौरे की बीमारी थी। अब हम कैसे कह सकते हैं कि दौरे की बीमारी के लोग मंद बुद्धि होते हैं। दूसरी एक धारणा है हमारे सोसाइटी में कि ये कहीं अनुवांशिक रोग है या छूने से फैलता है, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल छुआछूत की बीमारी नहीं है। इस बीमारी से ग्रसित लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, शादी कर सकते हैं, फैमिली कर सकते हैं, लोगों ने जैसा मैंने कुछ उदाहरण दिया सक्सेसफुल ज़िंदगियां जी हैं। ये बीमारी कभी भी आपके नॉर्मल ज़िंदगी के बीच में नहीं आता, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि मैं इस शॉर्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये बीमारी एब्सोल्युटली ट्रीटेबल है और इसमें कोई घबराने वाली या कोई इसके साथ जो मिथ है या वो जो धारणाएं हैं वो हमें दूर करना, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट काम है, इम्पॉर्टेंट रोल हमारा होना चाहिए। और इसमें डॉक्टर्स अकेले रोल प्ले नहीं कर सकते, इसमें सोसाइटी का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो ये समझना है। हमें जो एपिलेप्सी के जो पेशेंट होते हैं उनसे कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि यू नो दे आर डिफरेंट पीपल, नो दे आर वन ऑफ अस, और वो किसी भी आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, ये दूसरी चीज़ें हैं। तीसरी बात जो मैं एज ए न्यूरोसर्जन हाईलाइट करना चाहूँगा कि दुनिया में जो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी इज़ मेडिकल मैनेजमेंट। दुनिया में बहुत सारी एंटीपिलेप्टिक, बेहतरीन एंटीपिलेप्टिक मेडिकेशन आई हैं कि करीब 70-75% लोगों का इलाज दवाओं से ही हो जाता है। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, फॉर्म्स ऑफ एपिलेप्सी होती हैं या कुछ स्पेशल सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें कि दवाओं जो कि दवाओं से रेसिस्टेंट हो जाती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम शुरू में एक दवा देते हैं, उसके बाद फिर ऑल एड ऑन करते हैं दवाओं को, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे कि ये दवाएं असर नहीं करती, इनको हम ड्रग रेसिस्टेंट एपिलेप्सीज बोलते हैं। कुछ सिंड्रोमिक एपिलेप्सी होते हैं जैसे रैसमुसेन सिंड्रोम या और तमाम तरह की एपिलेप्सीज होती हैं जिसमें कि इवेंचुअली दवाएं एक स्टेज के बाद काम करना बंद कर देती हैं। तो ऐसे में जो एपिलेप्सी को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स हैं वो पहले बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लाइक ईईजी, वीडियो ईईजी, एमआरआई और भी जो तमाम तरह की जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो देखते हैं कि कहीं तमाम जो छोटे छोटे रीज़न हैं वो तो नहीं रिस्पॉन्सिबल हैं एपिलेप्सी के। और इसके बाद यदि हम देखते हैं कि दवाओं से मरीज़ को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर बहुत सारी सर्जिकल एक्सरसाइज है जो हम लोग करते हैं। सर्जरी दो तरह की होती है, एक इंटरवेंशन है जिसको कि हम लोग वेगल नर्व स्टिमुलेशन बोलते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट पाते हैं पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में। और एक जो रिसेंट टेक्निक है जिसको हम लोग डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी बोलते हैं, जिसमें कि ब्रेन के खास एरिया को, थैलमस एक रीजन होता है ब्रेन में जिसका इंपॉर्टेंट रोल है एपिलेप्सी प्रोपोगेशन में, उसको हम लोग स्टीरियोटैक्टिक टेक्निक से स्टिमुलेट करते हैं, तो वो एपिलेप्सी पर्टिकुलरली ड्रग रेसिस्टेंट एपिलेप्सी में काफ़ी कारगर होता है। लास्टली यदि हमें ये लगता है कि ब्रेन का कोई खास एरिया जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए सीजर प्रोपोगेशन के लिए, यदि हम वो इस्टेब्लिश करते हैं तो उसको हम सर्जरी के थ्रू उसको ऑपरेट करके उस एरिया को निकाल भी सकते हैं। तमाम तरह की और सर्जिकल एक्सरसाइज हैं जिसको कि हम ये कर सकते हैं।
So therefore, to conclude that epilepsy is an absolutely treatable condition, there are many options which are available, starting from medical management to minimally invasive exercises, interventions like vagal nerve stimulation, deep brain stimulation surgery, to invasive surgeries. और इन सारी चीज़ों से हम ये कह सकते हैं कि इस बीमारी से ग्रसित लोगों को किसी तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है, और वो जैसा मैंने जो सिम्टम्स बताए उनको सही वक्त पर पकड़ें और कंसर्न स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाएं, तो इसका इलाज संभव है। थैंक यू। एक दो बातें, एक दो स्पेशल सिचुएशन है, जैसे कि मिर्गी के दौरे जो जो कि जो बच्चों में होते हैं, वो बच्चे जब स्कूल में होते हैं पेरेंट्स को बहुत सारी चिंताएं होती हैं और होना जायज भी है, तो ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे के क्लास टीचर को या उसके पीयर्स को ये कम्युनिकेट किया जाए कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और डॉक्टर का एक जो फ़ोन नंबर है वो होना चाहिए कि ऐसी कोई स्थिति हो तो उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए और उसको कैसे हैंडल किया जाए, इस सिचुएशन को हैंडल करने का एक प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि जो जो बच्चे जो दौरे से पीड़ित हैं वो डिफरेंट नहीं हैं, वो बिल्कुल आम बच्चे हैं, उसको आम बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। हाँ, कुछ स्पेशल प्रिकॉशन ज़रूर लेने चाहिए और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा स्पेशल कंडीशन होता है प्रेगनेंसी विथ एपिलेप्सी। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी धारणाएं हैं हमारे समाज में कि कहीं ये माँ से बच्चे को तो नहीं जाता है जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है ये कहने को कि ये एपिलेप्सी माँ से बच्चे की ओर जाता है, बिल्कुल नहीं। आजकल बहुत सारी ऐसी सेफ दवाएँ हैं जो कि हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करके नॉर्मल डिलीवरी के स्टेज तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि जो मदर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं उनको अपने डॉक्टर को ज़रूर कम्युनिकेट करना चाहिए कि दे आर प्लानिंग प्रेगनेंसी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने मिथ्स के बारे में बताया, जो बताया कि ये इस बीमारी के साथ नॉर्मल ज़िंदगी जी जा सकती है, जो हमारे इससे इंटेलिजेंस लेवल से जिसका कि कोई लेना देना नहीं है, इस आदमी इस बीमारी के साथ नॉर्मल इंटेलिजेंस के साथ इंसान रह सकता है, काम कर सकता है, अपनी ज़िंदगी जी सकता है, फैमिली प्रोड्यूस कर सकता है, स्कूल में पढ़ सकता है, और यदि वो रेसिस्टेंट डिजीज़ के भी कैटेगरी में आता है तो उसकी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं जैसा मैंने बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस डिलीब्रेशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।